नमस्कार दृष्टि आई एस के, जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी पहल समुद्री प्रदूषण से संबंधित है एक मारपोल कन्वेंशन दो लंदन कन्वेंशन तीन ग्रीन पीस नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए इसका सही जवाब था एक दो और तीन अगला प्रश्न था प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी आईपीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक आईपीओ शेयर बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है दो आईपीओ के तहत प्रतिभूतियां सीधे जनता को जारी की जाती हैं उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर समान उद्देश्यों और कानूनी मानकों वाली अवधारणाएं हैं। दो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक पंचायती राज मंत्रालय यानी एमओ इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है दो इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था डार्क नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक डार्क नेट डीप वेब का हिस्सा है दो डार्क वेब पर मौजूद किसी भी सामग्री को इंटरनेट सर्च में नहीं लाया जाता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जी ट्वेंटी सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है जी ट्वेंटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जी ट्वेंटी सदस्य वैश्विक जीडीपी के नब्बे प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं दो वर्तमान में इटली इंडोनेशिया और भारत ट्रोई का देश है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है दो पहला ओ चार्टर उन्नीस में अपनाया गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी पी एम ए वाई यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था दो यह मिशन केवल ई डब्ल्यू एस या एल आई जी के आवास की कमी से जुड़ा है तीन प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ए आर एच इस मिशन के तहत एक उपयोजना है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक और दो अगला प्रश्न है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी के द्वारा किया जा रहा है यह निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है इसका सही जवाब था टूवर्ड्स अ रेजिलियट प्लेनेट इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर अंतिम प्रश्न था गुरु रविदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक वे मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे दो आदि ग्रंथ में उनकी चालीस कविताएं शामिल की गई हैं, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक चौहत्तरवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी दो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत है तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी चौहत्तरवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस ने अर्बन गवर्नमेंट के सिस्टम को संवैधानिक बनाया अतः कथन एक सही नहीं है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है अतः कथन दो भी सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जो प्रशासनिक अथवा कर संबंधी विवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती हैं। दो न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके न्यायिक हस्तक्षेप यानी जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से सरकार ने कुछ समय पहले न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जो प्रशासनिक अथवा कर संबंधी विवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती हैं। अतः कथन एक सही है न्यायाधिकरण के कई कार्य हैं, जैसे कि विवादों को सुलझाना चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना प्रशासनिक निर्णय लेना मौजूदा प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करना आदि न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे इसे बयालीसवे संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था अतः कथन दो सही है अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल से संबंधित है न्यायाधिकरण की स्थापना अदालतों के कार्यभार को कम करने निर्णयों में तेजी लाने आदि के लिए की गई थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है अफसपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह ब्रिटिश काल का कानून है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बनाया गया था दो 2015 में त्रिपुरा के अफसपा को हटा दिया गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा एक अहम मुद्दा बना हुआ है अफसपा ब्रिटिश काल का, का कानून है जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अधिनियमित किया गया था अफसपा को उन्नीस में चार अध्यादेशों के जरिए जारी किया गया था इसलिए कथन एक गलत है अफ्सपा सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने और अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है 2015 में त्रिपुरा से अफ्सपा को हटा दिया गया था इसलिए कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक सौर अपशिष्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो छोड़े गए सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न होता है दो भारत में कचरे के निपटान की जिम्मेदारी उन निर्माताओं अथवा वितरकों पर होती है जो पहली बार ऐसे उपकरणों को स्थापित करते हों। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक भारत अपने सौर ऊर्जा स्थापना लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी ला रहा है हालांकि भारत के पास उपयोग किए गए सौर पैनलों अथवा निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए कोई ठोस नीति नहीं है अतः कथन दो सही नहीं है सौर अपशिष्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो छोड़े गए सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न होता है इसे कबाड़ के रूप में बेचा जाता है अतः कथन एक सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक स्टेम सेल शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें नए प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता होती है दो स्टेम कोशिकाएं विभाजित होकर अधिक कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं तीन भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत स्टेम सेल को दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक और दो स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद अमेरिका में एक ल्यूकेमिया रोगी एच जो कि एड्स का कारण है से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। स्टेम सेल शरीर के रॉ मेटीरियल्स हैं स्टेम कोशिकाएं विभाजित होकर अधिक कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स कहते हैं अतः कथन दो सही है शरीर में अन्य किसी कोशिका में नई कोशिका उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता नहीं होती है यानी स्टेम सेल शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें नए प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता होती है अतः कथन एक सही है वर्तमान में स्टेम सेल को भारत में दवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है अतः कथन तीन सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक और दो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से गुण गुडूची यानी गिलोय के हैं एक हृदय को इन्फेक्शन से बचाना दो हेप्टो प्रोटेक्टिव तीन न्यूरो प्रोटेक्टिव चार सांस की बीमारी को रोकना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए केवल एक और चार केवल दो और तीन एक तीन और चार या फिर एक दो तीन और चार ऐसा सही जवाब है ऑप्शन डी एक दो तीन और चार आयुष मंत्रालय के मुताबिक गिलोय यानी गुडुची का शरीर पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं है गिलोय यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया पेड़ों के सहारे बढ़ने वाली एक झाड़ी है यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक आवश्यक जड़ी बूटी है यह पौधा भारत में स्थानिक है लेकिन यह है चीन और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है गिलोय के गुण है हेप्टोप्रोटेक्टिव गिलोय एक कुशल हेप्टोप्रोटेक्टिव एजेंट है यह ग्लूटाथियोन यानी जी के स्तर को बढ़ाता है और लीवर को नुकसान से बचाता है कार्डियो प्रोटेक्टिव गिलोय लिपिड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय को इन्फेक्शन से बचाते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव यह मस्तिष्क के उत्तकों के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सिस्टम को नियंत्रित करता है और न्यूरॉन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। सांस की बीमारी को रोकना गिलोय का उपयोग पारंपरिक रूप से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा खांसी सर्दी और टॉन्सिल जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है अतः विकल्प डी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एक दो तीन और चार अगला प्रश्न है खबरों में रहने वाला ओरगाउस माउंटेन्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ब्राजील कनाडा कोलंबिया या फिर उरुग्वे इसका सही जवाब ऑप्शन ए ब्राजील ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की सरकार ने पेट्रोपोलिस शहर में भूस्खलन भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम चौरानवे लोगों के मौत की पुष्टि की है पेट्रोपोलिस दक्षिण पूर्वी ब्राजील में स्थित एक शहर है यह रियो डी जेनेरियो शहर के उत्तर में और गाउस माउंटेन्स की एक घाटी में स्थित है और गाउस माउंटेन्स ब्राजील का एक पर्वत है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ब्राजील अगला प्रश्न है कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक कॉलेजियम शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है दो फर्स्ट जज केस ने फैसला सुनाया कि सीजेआई और अन्य जजों के साथ परामर्श के लिए आम सहमति की जरूरत है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में सोलह अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं भारत के संविधान ने मूल रूप से यह निर्धारित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी कॉलेजियम शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है अतः कथन एक सही है फर्स्ट जज इस केस ने फैसला सुनाया कि सीजे और अन्य जजों के साथ परामर्श के लिए आम सहमति की जरूरत नहीं है इसलिए कथन दो सही नहीं है उन्नीस में सेकंड जजिस केस ने इस निर्णय को उलट दिया और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की साथ ही यह तर्क भी दिया कि परामर्श के लिए सहमति की आवश्यकता है उन्नीस में थर्ड जजिस केस ने फैसला सुनाया कि कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय होगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होता है दो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम उन्नीस इसके दायरे में एकमात्र प्रावधान है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत हैं। राज्य जांच एजेंसी यानी एस को एन और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए एक विशेष नोडल एजेंसी के रूप में गठित किया गया है आतंकवाद के ऐसे मामलों में विशेष जांच के लिए एक नई एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी जिन्हें एन को नहीं भेजा गया हो जम्मू कश्मीर में एक एस निदेशालय स्थापित किया गया है जिसका पदेन निदेशक सी विंग के प्रमुख को बनाया गया है अतः कथन एक सही नहीं है इसके दायरे में शामिल है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम उन्नीस अतः कथन दो सही नहीं है इसके अलावा यह निम्न मामलों को भी देखता है आतंकवाद से जुड़े अपराध आतंकवादी वित्त पोषण और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोटों के मामलों सहित सभी आतंकवादी कार्य और आतंकवाद से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले आदि तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी एन एम एस सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी रिपोर्टिंग विदेश मंत्रालय के अधीन होगी दो इस समन्वय एजेंसी की जरूरत सबसे पहले कारगिल युद्ध के बाद गठित मंत्रियों के समूह द्वारा व्यक्त की गई थी उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो नौसेना के पूर्व उपाध्यक्ष वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी एन एम एस सी नियुक्त किया गया है छब्बीस ग्यारह के आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित एन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा एन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे अतः कथन एक सही नहीं है एन के पास मेरी सिक्योरिटी और मेरी सिविल इश्यूज में शामिल सभी एजेंसियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी होगी इस समन्वय एजेंसी की जरूरत सबसे पहले कारगिल युद्ध के बाद गठित मंत्रियों के समूह द्वारा व्यक्त की गयी थी अतः कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अंतिम प्रश्न है जापानी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ताकाहाशी ने निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका विकसित किया मम्स चिकन पॉक्स रूबेला या फिर खसरा इसका सही जवाब ऑप्शन बी चिकन पॉक्स गूगल ने अपना आज डूडल डॉक्टर मिचिया की ताकाहाशी के जन्मदिन को समर्पित किया है डॉक्टर मिचियाकी ताकाहाशी एक जापानी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चिकन पॉक्स का पहला टीका विकसित किया था इसलिए तो इस इस आज का अभ्यास प्रश्न विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक डब्लू की स्थापना माराकेश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी दो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के भी सदस्य होते हैं उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद